अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों को शबे बारात बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला सबकी परेशानियां दूर कर दे। दुआओं में आप हमें भी याद रखिएगा, हम तो आपको याद रखेंगे ही रखेंगे। दुआओं की दरख्वास्त है आप सबसे। और मैंने शबे कदर गलती से बोल दिया, आप लोगों ने मेरा कमेंट बॉक्स भर दिया। शबे बारात होती है, शबे बारात होती है। जी हाँ, मुझे पता है, गलती से मुंह से निकल गया था शबे कदर, ये शबे बारात है, मुझे मालूम है। आगे जो हमने इबादत करी है पूरी रात में, ये मैं आपको आगे दिखाऊंगी और आप लोग ज़रूर देखिएगा। अच्छा जी, फ्रॉक भी दिखा दी थी ना। बनाना कहो, बनाना आपको। ये कौन लाया था आपकी? ये कौन लाया फुका? मामू। मामू पापा लाए थे। पापा कौन लाया था? पापा मामू पापा मामू। आप तो मामू की चेकती हो। आपने माम तो कहे नहीं किसी को भी। आयश लालेकुम कर, आयश लालेकुम कर ना। जैसे अभी यहाँ पे यहाँ तक उल्लू बाबा माम करो सबको। अब यहाँ से करोगे करो, बाय बाय कह दो, बनाना खा लो जल्दी से, कह दो नाना खा रही हूँ नाना। अब मेरा तो सुना नहीं कहते बच बच सलाम करो। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो सब लोग। मेरा नाम है हिदायत। मेरा नाम है हिदायत खान, मैं हूँ 6 साल की और मैं आज आपको 4 कलमे सुनाने वाली हूँ। हाँ, पहला कलमा सुनो। पहला कलमा तमजे। पहला कलमा, पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु। पास आके वो। हाँ, पहला कलमा ला, पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दूसरा कलमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तीसरा कलमा तमजे सुभान अल्लाह व अल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह व ला हुफ्फर व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम चौथा कलमा तौहीद तौहीद पर एक ला इलाहा इल्लल्लाहु व अदौला शरीक लहु यौमुल कु व लौला लहु व हुवा कुल्ली शल कदीर। सोने की दुआ सुना दो। अल्लाहुम्मा बिस्मिका भूतु वाया। खाना खाने की बिस्मिल्लाह वाला बकतुल्ला। अगर खाना खाने में भूल जाओ बीच में पढ़े दो तो बिस्मिल्लाह अल्लाह खिरो। ठीक से सुनाओ। बिस्मिल्लाह अव्वलु आखिरो। दूध पीने की दुआ। अल्लाहुम्मा पारक लेना फी ही वजित लेना बिल। और जब खाना खाने के बाद की दुआ। अच्छा, हमारे नबी की कितनी बेटियां थी? 4। बोलो, हमारे नबी की 4 बेटियां थी। ऐसे हमारे नबी की 4 बेटियां थी। नाम बताओ। अच्छा पापा सबसे बड़ी, अच्छा तो कैया उससे छोटी, अच्छा अच्छा पापा, अच्छा तो कैया सही से बताओ, हमारे नबी की कितनी बेटियां थी? हमारे नबी की 4 बेटियां थी। नाम बता दो बस। अच्छा फातिमा सबसे बड़ी, फातिमा रुकैया ज़ैनब कुलसुम। नहीं मैं मन में बोल रही थी, हमारे नबी की 4 बेटियां थी। अच्छा फातिमा सबसे बड़ी, हजरत रुकैया उनसे छोटी,
अदर दादा मंत छोटी अदर कुल तुम सबसे छोटी सबसे छोटी कुल सुन थे हाँ अच्छा आप सबको शबे कदर मुबारक बोलो शबे कदर मुबारक मुबारक हो मुबारक हो शबे बरात शबे शबे बरात मुबारक हो चलो आप सभी को आप सभी को और आप सब हमारे लिए भी दुआ करना जी आप सब हमारे लिए भी दुआ करना और कोरोना वायरस से बचने के लिए अपना हाथ हाथ को ना के मुंह से ना छूए और अपने और अल्लाह से दुआ करो कोरोना वायरस जल्द से जल्द खत्म हो जाए बता दो तू आपको कैसे कोरोना वायरस नहीं हो सकते छींकने से पहले टिश्यू या रुमाल अपने मुंह पे रखे मास्क से मास्क ओके छींकने से पहले रखे और जैसे यूज करें भी टिश्यू को जल्दी से डस्टबिन में डाल दें और हाथ ना आँख ना के मुंह को हाथ से ना छुए ओके और हर मिनट 20 मिनट 20 सेकंड तक हाथ धोते हैं 20 सेकंड तक साबुन या पानी से हाथ धोए बस 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 अभी याद अब अल्लाह की कोई कोरोना वायरस खत्म हो जाए खत्म हो गया पापा जी आप कुछ कहना चाहेंगे ये देखिए इनकी ढक्कनदार गाड़ी खत्म हो गई चाय पी लो चाय पी ले अस्सलाम वालेकुम मोहतरम हज़रात आप सभी को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से शबे बारात की बहुत 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 मुबारकबाद और आप सब से एक इल्तिजा भी है जोर से आप सब मेरे मेरे परिवार के और हर मुसलमान के और हर इंसान के हक में दुआ करें उसकी खैर और बरकत में दुआ करें उसकी रोज़ियों के लिए दुआ करें उसकी बहन बेटियों के लिए दुआ करें कि ये जो भी माहौल चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर जो भी अल्लाह का अज़ाब इलाही नाजिल हुआ हुआ है तो इस सब से हम सबको निजात मिले हमारी गलतियों की वजह से ये अज़ाब हम पे नाजिल हुआ है अल्लाह से रो रो के दुआ मांगे अस्तगफार पढ़ते रहें और दुआओं में सबको याद रखें अल्लाह अस्सलामु अलैकुम शबे बरात आप सबको मुबारक हो तो अभी अभी आपने देखा कि इनायत ने आपको जो भी वो पढ़ती थी उसने वो सब सुना दिया और आसिफ जी ने आपसे आज बात करी है और रिक्वेस्ट भी करी है कि हम सब मिलके दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया में ये जो भी अज़ाब इलाही आया हुआ है वो सब ख़त्म हो जाए और अभी बज रहे हैं रात के 12:30 और इनायत का सोने का कोई भी मूड नहीं है अभी इनायत को बस अभी मम्मी के साथ पढ़ना है और इनायत का अभी पहला सिपारा अलिफ लाम मीम का पारा जो है ना इनायत पढ़ती है वो लगा हुआ है उसका और इनायत के हाफिज़ जी आते थे पढ़ाने के लिए लेकिन इस टाइम पे हमने मना कर दिया है कि अभी नहीं पढ़वा रहे हम तो इनायत को मैं और आसिफ जी दोनों ही मिलके धीरे धीरे पढ़ा देते हैं कल की बात बताओ जो मैंने हाँ कल हमारे मम्मी के यहाँ पर कुरान खानी थी तो इनायत ने दूसरा पारा जो है वो थोड़ा सा पढ़ा था दो पेज पढ़े थे उसके अच्छा एक पेज पढ़ा था उसका इनायत ने और बहुत अच्छा पढ़ा था हिज्जो कर करके पढ़ रही थी थोड़ा रवा पढ़ती है थोड़ा हिज्जो से पढ़ती है बट पढ़ लेती है आज के शबे बरात में अभी तक हमारी इबादत चालू है और अल्हम्दुलिल्लाह सिरातल तस्बीह की नमाज़ भी हो चुकी है हमारी थोड़ा सा टाइम मिला था तो चाय पी रहे थे हम लोग तो मैंने कहा चलो हस्बैंड के लिए भी चाय बना देती हूँ अपने लिए भी चाय बना देती हूँ तो बस आप लोग अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा हम सब मिलके दुआ करेंगे तो इंशाल्लाह पूरी दुनिया में ये दोबारा जैसा सब कुछ हो जाए जैसे पहले होता था ना सब कुछ पहले जैसा हो जाए अल्लाह ताला से आप भी दुआ करिएगा हम तो खैर कर ही रहे हैं कि अल्लाह ताला सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाए तो बस आज का शबे कदर का शबे बरात का जो व्लॉग था वो इतना ही था थोड़ी थोड़ी अपडेट देनी थी कल हम रखेंगे रोज़ा तो सहरी में जो होता है वो मैं भी आपको दिखाऊँगी ठीक है अल्लाह हाफिज़ अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा